अकोला में बहुभाषी ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष पर हुए जानलेवा हमले के निषेधार्थ हिंदी भाषी ब्राह्मण समाज बहुउद्देशीय विकास संस्था द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रशासन को निवेदन सौंप कर कार्रवाई की मांग की गई। 30 अगस्त 2024 को अकोला बहुभाषी ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष श्री राम प्रकाश मिश्रा पर जानलेवा हमला हुआ। ब्राह्मण समाज के जुड़े सक्रिय व्यक्ति पर हुए इस जानलेवा हमले के विरोध में हिंदी भाषी ब्राह्मण समाज बहुउद्देशीय विकास संस्था और बहुभाषी ब्राह्मण समाज ने अपने संगठन की ओर से इस घटना का निषेध करते हुए इस मामले में हमलावरों को जल्द पकड़ा जाए व कार्रवाई की मांग को लेकर महाराष्ट्र सरकार को अपना निषेध पत्र जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपा और यदि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। इस वक्त हिंदी भाषी बहुउद्देशीय विकास संस्था के अध्यक्ष संकेत मिश्रा, स्वरूप मिश्रा, बॉबी दीक्षित, मनीष तिवारी, असीम दीक्षित, संजय तिवारी, राकेश मिश्रा, अनुपम दीक्षित, आनंद द्विवेदी, दिलीप चूड़ामणि पांडे, प्रतीक तिवारी, शैंकी मिश्रा, प्रदीप तिवारी, ब्रिजेश अरा, संजू तिवारी, दिनेश त्रिपाठी, दत्ता प्रसन्न महादनी, एडवोकेट गिरीश मारलीवार, अभिजीत मोगावकर, सचिन सांबरे, मीनल जोशी, महन जोशी, विनोद उपाध्याय आदि उपस्थित थे।